बहुजन समाज के सारे महापुरुषों को अभिवादन करते हुए, बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन के मौके पर आज के इस आयोजित कार्यक्रम में, जिन्होंने अपने अपने ख्याल आपके सामने रखे, माननीय प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान जी, आदरणीय भानु प्रताप जी, अन्य पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और इस सभा में उपस्थित सारे साथियों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के धरती पर मेरठ का एक ऐतिहासिक महत्व है और ऐसे मेरठ नगरी में राष्ट्रीय जनहित पार्टी के आदरणीय भानु प्रताप जी और उनके साथियों ने खुले मैदान में आज के इस प्रोग्राम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में नेशनल बहुजन अलायंस के सभी घटक दलों को, पार्टियों के नेताओं को आज के इस प्रोग्राम में शरीक होने का मौका दिया, इसलिए आप सभी लोग और मैं खुद राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन के संयोजक के नाते, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के भानु प्रताप जी और उनके तमाम साथियों का हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। मेरे पूर्व प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान जी ने काफी बातें आपके सामने विस्तार से रखी और इसलिए मैं ज्यादा और कुछ बातें आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन दो तीन मुद्दों का स्पष्टीकरण जानकारी के तौर पर कुछ लोगों को होना चाहिए। यह वक्त की जरूरत को ध्यान में रखकर दो तीन मुद्दे आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहले, उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रोग्राम होता है, बसपा को छोड़कर प्रोग्राम होता है, तो कुछ लोगों के या बहुत से लोगों के दिलो दिमाग में सवाल खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश जैसे धरती में, खुले मैदान में, कड़ी धूप में प्रोग्राम लगाना ये जिगरबाज साथियों का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी भानु प्रताप जी और उनके साथियों ने जो उठाई, इसके लिए आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका शुक्रिया अदा करें। मौजूद साथियों के दिलो दिमाग में यह भी सवाल होगा कि भाई हम आज तक हम लोग एनडीए को सुनते आए हैं, यूपीए को सुनते आए हैं, ये एनबीए क्या है? ये भी सवाल कुछ लोगों के दिलो दिमाग में होगा और इसलिए ये भी बताना जरूरी है कि माननीय कांशीराम साहब हमेशा
कांग्रेस को ब्राह्मणवाद की ए टीम कहते थे और बीजेपी को बी टीम कहते थे। अब थोड़ा समीकरण पलट चुका है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणवाद की ए टीम बन चुकी है और कांग्रेस को बी टीम के दर्जे पर समाधान मानना पड़ रहा है। लेकिन भारत की राजनीति, देश की राजनीति इन दो धड़ों में बंट चुकी है। ऐसे हालात में माननीय कांशीराम साहब का यह प्रयास था कि इनके अलावा देश के हर सूबे में बहुजन राजनीति एक विकल्प के तौर पर खड़ी होनी चाहिए। बहुजन समाज की राजनीति कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले में देश के प्रत्येक राज्य में खड़ी होनी चाहिए और बहुजन राजनीति इस देश की सबसे बड़ी ताकत बन के उभरनी चाहिए। कांशीराम साहब के बात के ऊपर हमारे जैसे लोगों ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत कभी भामसेप या कभी डीएसपर के माध्यम से की, बसपा की स्थापना होने से पहले की, उन लोगों का कांशीराम साहब के ऊपर भरोसा होने के कारण वो जब तक कांशीराम साहब सक्रिय रहे वो अपने मकसद के साथ और प्रयासों के साथ डटे रहे। लेकिन 2003 के बाद माननीय कांशीराम साहब के बीमार पड़ने के बाद एक अगर उत्तर प्रदेश का पोआ छोड़ दे तो भारत के अन्य राज्यों में बहुजन राजनीति का क्या हाल हुआ। क्या जिस पंजाब में कभी 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, 12 एमएलए हुआ करते थे, जो हमारे साथी बिहार से बात करके चले गए उस बिहार में कभी 6 एमएलए हुआ करते थे, जिस मध्य प्रदेश में कभी 12 एमएलए के साथ साथ अगली सरकार हमारी होगी, बहुजनों का शासन हमारा होगा, ये नारा कांशीराम जी के बंदे अपने दम खम पर देते थे और देश के कोने कोने में कहते थे, ओठ हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। क्या ये नारा आप सुनने को मिलता है? क्या ये नारा उत्तर प्रदेश के किसी कोने में, मेरठ में सुनने को मिलता है? पंजाब के किसी होशियारपुर जिले में सुनने को मिलता है? हरियाणा के किसी जिले में सुनने को मिलता? क्या इससे सबक सीखना नहीं चाहिए? और इसलिए हम कुछ साथियों ने इकट्ठा मिलके पूरे भारत के राजनीति का सही आकलन करते हुए, आप कहेंगे भाई सही आकलन तो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन में, आप कहेंगे कि उसका सही आकलन एसपी बीएसपी के गठबंधन में है, तो कांशीराम साहब की भी गठनीति गठबंधन की राजनीति करने की जो तकनीक है, क्या हमें उसको दिमाग में नहीं रखना चाहिए? क्या कांशीराम साहब ने मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी को क्या उस समय घुटने पर नहीं लाया था? क्या कांग्रेस पार्टी को 1996 के उत्तर प्रदेश के असेंबली के चुनाव में अंबेडकर के खाते में 300 सीटें डालकर गांधी के खाते में 125 सीटें नहीं डाली थी? ये कांशीराम जी की गठजोड़ की राजनीति थी, ये राजनीति जो कांशीराम साहब ने देश के कोने कोने में चलाई, क्या वो नजर आती है?
और अगर वो राजनीति आज नजर नहीं आती तो क्या उसकी दोबारा पहल नहीं होनी चाहिए, क्या उसके लिए दोबारा प्रयास नहीं होना चाहिए? और इसीलिए उसी प्रयास का नाम है नेशनल बहुजन अलायंस, यही गठबंधन, ये उसका प्रयास है जिससे कांशीराम साहब के सही रास्ते पर हम चल सकते हैं। और एक बात कहूंगा कि भाई एनडीए और यूपी में फर्क क्या है? पहले भाजपा वाले चुनाव के समय में चुनाव दिखाते थे, अब गुजरात में राहुल गांधी दिखा रहे थे, फर्क क्या? पहले भाजपा वाले मंदिर मंदिर की ठोकरें खाते घूमते थे, अब कर्नाटक में राहुल गांधी हर मंदिर से दूसरे मंदिर तक जा रहा है, फर्क क्या? SC ST का आंदोलन प्लान फेल करने में कांग्रेस भी नालायक थी तो बीजेपी कौन सी लायक है? संचार कमीशन की सिफारिश से क्या नकारने में कांग्रेस पार्टी नालायक नहीं, क्या यूपीए नालायक नहीं, तो बीजेपी कौन सा लायक है? किसानों के खेतों की पैदाश को लेकर एक मूल्य देने की बात हर राज्य में चल रही है, क्या कांग्रेस ने जो किया क्या वही भाजपा नहीं कर रही, या हमारे जो साथी भालू प्रताप की है, क्या आंगनवाड़ी सेविका का मामला क्या आज का है, क्या कांग्रेस के समय नहीं था? कांग्रेस के समय भी था और आज का भी समय में है और वो देश के हर राज्यों में। तो भाई कांग्रेस हो या बीजेपी, इसमें हमारा मामा चाचा कौन सा है? इनमें ना हमारा कोई मामा है ना चाचा है, इसलिए दोनों को लात तो मारकर अपने बूते पर खड़े होने की जरूरत है। ये वक्त की जरूरत को समझकर ये जरूरत है, ये तकाजा है, और इसलिए नेशनल बहुजन अलायंस है। और ये नेशनल बहुजन अलायंस कैसे, हमारे भानु प्रताप जी ने कहा, इसमें कोई केरला का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई बिहार का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई मध्य प्रदेश का है, और प्लान करके काम कर रहे, कोई अनप्लान नहीं है। पिछले 6 महीनों से जो भी बहुजन आंदोलन के साथी है उनके साथ संपर्क करके कि भाई आप अपने स्टेट में मजबूत हो जाओ, अगर बिहार वाला है तो बिहार में वो खुद मजबूत होना चाहिए, कोई उत्तर प्रदेश वाला है तो उत्तर प्रदेश में मजबूत होना चाहिए, और हम सारे अपने अपने स्टेट में मजबूत होकर फिर दिल्ली में आकर बैठते और अपने मजबूती का परिचय दिखाते तो चौकीदार बदलने में आसानी होगी। इस बात को लेकर नेशनल बहुजन अलायंस काम करता, ये वक्त की जरूरत है, क्योंकि पूरे तमिलनाडु की भाषा, लेकिन वहां भी तो 38 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर उत्तर प्रदेश से ही आप 80 से बात करें तो उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि एक समय कांग्रेस के पास कुछ नहीं था उत्तर प्रदेश से, फिर भी उनकी यूपीए की गवर्नमेंट थी, और इसलिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन प्रोसेस। अब बीजेपी तो उस मामले में इतनी नालायक है कि गोवा में बनने की कोई गुंजाइश नहीं, त्रिपुरा में नहीं, कहीं भी नहीं, फिर भी वो सरकारें बनाते जाती रही है, और इससे हमें सबक सीखना चाहिए। संविधानात्मक संस्था का जिक्र हुआ, चुनाव आयोग का जिक्र हुआ, अभी अभी उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा झारखंड में जेल बंद विधायक वो वोट कर सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जेल में बंद मुख्तार अंसारी कितना भी माफिया हो वो वोट नहीं कर सकता। क्या भाजपा की इतनी बड़ी नालायक समझने के लिए हमें और कौन सा वक्त चाहिए, क्या इससे ज्यादा वक्त चाहिए? और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे कि उन्होंने हमारे आदमी तोड़ लिए, ऐसे एक्सक्यूजेस से राजनीति नहीं चलती। राजनीति में अपना सिक्का अपना लोहा मनवाना होता है, और अगर लोहा मनवाने में कम पड़ेंगे तो आपके पास वोट भी होंगे, लोग भी होंगे,
फिर भी आपकी सरकारें नहीं बनेगी, इस बात को भी उत्तर प्रदेश के राजनीति ने एक लेख सबूत के तौर पर आपके सामने रखा है। हमें उसको समझना होगा और समझकर उचित कदम आगे उठाना होगा। ये अच्छी बात है, आज छोटा सा प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम, लेकिन तुरंत बाद जैसे आने वाले 18 अप्रैल को हमारे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से दिल्ली में प्रोग्राम, बिहार के साथियों ने जिक्र किया, 20 अप्रैल में बिहार के पटना के गांधी मैदान में, 22 तारीख को हमारे डीजीपी साहब पृथ्वीराज हरियाणा कर रहे, और अगले 22 तारीख को, मई महीने के 22 तारीख को एनडीए का या एनबीए का सबसे बड़ा प्रोग्राम नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस में होने जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम छोटे दल सही लेकिन काम बड़ा करने में निकले हैं, और जब काम बड़ा करने में निकले हैं तो जिसको कांशीराम साहब की मूवमेंट समझती है, जिनको बाबा साहब का आंदोलन समझता है, जिनको बहुजन राजनीति पूरे देश में क्यों पछाड़ चुकी है इस बात का दर्द है, वो उठकर खड़े होंगे। इसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत। शुक्रिया।